दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म होते ही ईडी हरकत में आ गई है और सीधे उसने पश्चिम बंगाल का रुख किया है। आज सवेरे ईडी की एक टीम ने पश्चिम बंगाल के वन मंत्री और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रेम मल्लिक के सॉल्टलेक स्थित के घर पर छापेमारी की। ईडी सूत्रों के मुताबिक राशन घोटाले मामले में बकीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ज्योति प्रेम मल्लिक का नाम सामने आया था, उसके बाद ही ईडी ने एक कार्रवाई की है। सॉल्टलेक के बीसी ब्लॉक के साथ साथ ईडी ज्योति प्रेम मल्लिक के दो और घरों की भी तलाशी ले रही है। इसके अलावा ईडी ज्योति प्रेम मल्लिक के असिस्टेंट अमित दे के नागेर बाजार स्थित फ्लैट पर भी पहुंच गई। ईडी वहां भी तलाशी ले रही है। अमित दे के एक और फ्लैट पर भी ईडी ने छापामारी की। ईडी के अधिकारी सुबह से ही कुल 8 जगहों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या ज्योति प्रेम मल्लिक का राज्य के वन मंत्री के करीब कारोबारी बकीबुर रहमान के साथ कोई रिश्ता है। बता दें कि राशन घोटाले मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ज्यादातर टीएमसी के करीबी बताए जा रहे हैं। पूजा की छुट्टी खत्म होते ही ईडी हरकत में आ गई है और सीधे उसने पश्चिम बंगाल का रुख किया है। आज सवेरे ईडी की एक टीम ने पश्चिम बंगाल के वन मंत्री और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रेम मल्लिक के सॉल्टलेक स्थित के घर पर छापेमारी की। ईडी सूत्रों के मुताबिक राशन घोटाले मामले में बकीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ज्योति प्रेम मल्लिक का नाम सामने आया था, उसके बाद ही ईडी ने एक कार्रवाई की है। सॉल्टलेक के बीसी ब्लॉक के साथ साथ ईडी ज्योति प्रेम मल्लिक के दो और घरों की भी तलाशी ले रही है। इसके अलावा ईडी ज्योति प्रेम मल्लिक के असिस्टेंट अमित दे के नागेर बाजार स्थित फ्लैट पर भी पहुंच गई। ईडी वहां भी तलाशी ले रही है। अमित दे के एक और फ्लैट पर भी ईडी ने छापामारी की। ईडी के अधिकारी सुबह से ही कुल 8 जगहों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या ज्योति प्रेम मल्लिक का राज्य के वन मंत्री के करीब कारोबारी बकीबुर रहमान के साथ कोई रिश्ता है। बता दें कि राशन घोटाले मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ज्यादातर टीएमसी के करीबी बताए जा रहे हैं।